मौका लालू प्रसाद यादव को भी मिल गया। उन्होंने शिवराज सिंह की बातों का समर्थन किया। लालू से बात की आज तक संवाददाता कुमार अभिषेक ने। जेडीयू कार्यकारिणी की ठीक पहले मोदी के नाम के विरोध को लेकर एक माहौल बना, मगर कार्यकारिणी शुरू होने के पहले ही जेडीयू ने 6 से 8 महीने का वक्त भी इस अलायंस को दे दिया। इस वक्त हमारे साथ आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी हैं। लालू जी, ये बताइए कि नीतीश कुमार की तरफ से पहले तो विरोध दर्ज किया गया और उसके बाद से तुरंत 6 से 8 महीने का वक्त दिया गया। विरोध एक सगुफा है, शुरू से हम लोग बोल रहे हैं, ये धर्मनिरपेक्षता की बात करना नीतीश कुमार के मुंह से शोभा नहीं देता है। और नरेंद्र मोदी आरएसएस बीजेपी के गोद में बैठ के शासन का नैया खे रहे हैं और अब ये रट लगा रहे थे शुरू से कि अभी घोषणा किया जाए कौन होगा प्रधानमंत्री का उम्मीदवार और नरेंद्र मोदी का विरोध का बात कर रहे थे जब ये लोग सब साथ में। धर्मनिरपेक्षता की बात करना बिल्कुल इनके लिए, ऐसे लोगों के लिए हास्यास्पद लगता है और हंसी आती है। नीतीश कुमार ने इधर हाल ही में यहां से बयान दिया था कि सबसे योग्य उम्मीदवार अगला प्रधानमंत्री के लाल कृष्ण आडवाणी होंगे, ऐसा बयान आया था। सम्मानित नेता है, असम्मानित किए भी हैं, हम रथ को रोके थे, रथ को निकलवाए यहाँ पर। आडवाणी जी ने खुद माना भी कि एक मुख्यमंत्री रोके और दूसरा हमको ग्रीन सिग्नल दिया बिहार में इधर आने का। तो हम यही सवाल बार बार खड़ा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में आरएसएस में धर्मनिरपेक्ष कौन है, धर्मनिरपेक्ष कौन है, नाम तो बताओ।